और ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज पर मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनावों को लेकर डीजियाना न्यूज की स्पेशल पेशकश महाकवरेज चुनावों को लेकर। और इसी पे डबरा से जानकारी के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील सिंह राजावत। सुनील, डबरा में क्या स्थिति अभी फिलहाल एज इफ नाउ बात की जाए? जी नितिश जी, मैं आपको बता दूं, डबरा में 30 वार्ड थे, 30 वार्डों में से 14 में बीजेपी ने अपना पश्चिम लहराया है, जबकि 10 पे कांग्रेस काबिज हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का भी 2 जगह खाता खुला है, और अन्य की अगर बात करने चलिए कि 4 ने अपनी बाजी मारी है। आगे बढ़ के अगर इसमें आगे अन्य नगर परिषदों की अगर बात करें तो 4 नगर परिषदों में बीजेपी भी अपनी बहुमत सिद्ध करती हुई दिख रही है। जी सुनील, कितने राउंड्स में थी जो तमाम वोटिंग थी, यहाँ पर डबरा की बात की जाए और नगर परिषद आसपास की, तो कितने राउंड्स में वोटिंग थी, क्या माहौल चल रहा था उस समय? जी मैं आपको बता दूं, नगर पालिका में 8 राउंड रखे गए थे, जबकि 4 नगर परिषद थी उनमें किसी में 7 में थे, किसी में 6 में, अलग करके कुल मिला के 8 से अधिक राउंड नहीं थे किसी भी नगर पालिका में। रही बात माहौल की, तो माहौल बहुत शानदार रहा, क्योंकि सारे प्रत्याशी थे और एक उत्साहवर्धक भी उन लोगों में दिख रहा था। साथ ही स्वच्छता की दृष्टि देखा जाए तो पुलिस प्रशासन चाक चौबंद एकदम बना हुआ था, ना ही जहाँ भीड़ होने दे रहे थे, क्योंकि वहाँ कर्मचारियों को, प्रत्याशियों को लिए कूलर पानी की व्यवस्था रखी गई थी। साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात ये है, एक अभी सूत्रों के खबर मिली है अभी कि डबरा नगर पालिका में जो 4 निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको किसी पार्टी ने उठा लिया है, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है अभी निकल के। सुनील, जरा स्पष्ट कीजिए, उठा लिया मतलब वो गायब है, मिल नहीं रहे हैं, क्या है पूरा मामला डिटेल में थोड़ा सा बताएं। जी नितिन जी, मैं आपको बता दूं क्या कि जैसे जो सहायक रिटर्न अधिकारी है SDM, उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किए 30 पार्षदों को, उनका टिकट प्रमाण पत्र देने के बाद जैसे वो बाहर निकले हैं तो उनके जो समर्थक थे वो माला लेके खड़े ही रहे बाहर, और उनको माला डालने का मौका नहीं मिला और वो मिले नहीं। उनके प्रत्याशी ने हमें ये बताया कि वो किसी अन्य व्यक्ति ने गाड़ी में लेकर के जबत सिम उतार के ले गए। अभी ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि व्यक्ति कौन थे, कहाँ ले गए, क्योंकि उन्होंने अभी इस थाना प्रभारी जो है उनको अवगत करा दिया और SDSP अभी यहाँ आ चुके हैं। जी, तो पुलिस अभी फिलहाल किस दिशा में इसकी जांच जो है वो कर रही है, अभी क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है? सुनील, ये काफी गंभीर है। जी, जब सिर्फ एडिशनल SP से हमने बात की तो उनका ही कहना था कि नहीं, हो सकता है कि वो सुबह से लगे हुए थक गए, उसने बिना अपने उनको मतदाताओं को बता के, कार्यकर्ताओं को बता के निकल गए हो घर पे, हम इसकी जांच करेंगे, ऐसी हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है, वो अगर शिकायत लिखित में आई तो निश्चित तौर पर हम इसकी जांच करेंगे। जी धन्यवाद सुनील, तमाम अपडेट्स के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता सुनील सिंह राजावत, जो दरअसल बता रहे थे कि डबरा नगर पालिका में क्या स्थिति रही। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीजियाना न्यूज़।